हेलो गाइस, तो ये मेकअप मैंने पहले किया था, बटरफ्लाई आई मेकअप लुक। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको प्यार भी दिया। तो आप इसको प्लीज़ 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 देख लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, एंड फुल वीडियो चैनल पे अपलोड है तो जाके देख लीजिएगा। ये था फाइनल लुक। आज का जो मेकअप लुक है उसको देखने, उसको जानने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए एंड तक वीडियो वॉच कीजिएगा, एंड प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। तो चलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, फिर मेकअप करने में भी बहुत मेहनत लगता है, बट मेकअप रिमूव करने में उससे भी ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि इस तरीके का मेकअप के लिए पूरा फेस हमारा पेंट हो जाता है एंड हम लोग कुछ न्यू, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी नई नई आइडियाज़, नई नई वीडियोज़ के साथ मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो चलिए, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आज का मेकअप। तो आज का जो मेकअप है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, हो सकता है कि डरावना भी हो, बट मुझे तो फनी लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस को अच्छे से मॉइस्चराइजिंग एंड सीटीएम कर लीजिएगा, प्राइमर लगा लीजिएगा, उसके बाद से आपको फाउंडेशन डायरेक्ट इस तरीके से लगाना है, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप मेकअप कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा। तो इस तरीके से मेकअप का फाउंडेशन को मैंने अपने फेस पे लगाया है कुछ इस तरीके के। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फाउंडेशन मैंने इस तरीके से लगाया, फिर मैंने इसको क्रीम की तरह ब्लेंड किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन हो गया था। लेकिन आपको क्रीम की तरह ब्लेंड करने के साथ साथ इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो तो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाता है और जो मेकअप का लुक होता है वो स्मूथ दिखता है। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, या फिर ब्रश यूज़ कर सकते हो। याद रखिएगा, ब्यूटी ब्लेंडर गीला होना चाहिए, पानी एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। फिर मैंने इस तरीके से बेबी जॉनसन पाउडर लिया, पूरे मेकअप को सेट कर दिया है, ताकि मेरा चेहरा थोड़ा सा भूतिया टाइप का हो जाए। तो वाइट हो गया है ये मेरा चेहरा पूरा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टार्ट करी, नो कंसीलर कुछ भी नहीं यूज करना है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जेल आईलाइनर लिया, अपने आईब्रोज को कुछ इस तरीके से शेप दिया है ब्रश की मदद से। ओके, इस तरीके से शेप देना है। फिर इसको हम लोग ब्लैक करेंगे पूरा, इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेंगे। काजल इसमें ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से जल्दी से बन नहीं रहा था ये, तो इस तरीके से शेप दे देंगे पूरा। तो इधर कम ज़्यादा हो गया, तो इसको भी बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लिप्स पे ऐसे निशान बनाएंगे जैसे हमारे टाके लगे हुए पूरा कटने के बाद। इस तरीके से शेप हमने बना लिया है, लिप्स पे भी इस तरीके से बना दिया है। फिर इस तरीके से दांतों का शेप बना देंगे, टाँकों का, जिस तरीके से हमको टाके लगते हैं वैसे ही। ऐसा दिखाना है कि हमारा चेहरा पूरी तरीके से जख्मी है एंड पूरा ब्लड वगैरह लगा हुआ है इस तरीके से। फिर गर्दन के पास भी कुछ इस तरीके से शेप दे देना है, और एक इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे लाइन, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फेस पे कुछ इस तरीके का कट बना लेंगे, जिससे कि लगे कि चोट लगी हुई है। अब इसको हम लोग फिल करेंगे जल्दी जल्दी जेल आईलाइनर से ही। तो ब्रश की मदद से जेल आईलाइनर उठा उठा के, यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जितना भी डिज़ाइन बनाया हुआ है, लाइन बनाई हुई है, उसके अंदर अंदर पूरा इस तरीके से फिल कर लेंगे। आप काजल की मदद से भी ये कर सकते हो। इसको रिमूव करने के लिए पहले आप ऑयल ले लीजिएगा, ऑयल को अच्छे से मिक्स करके फिर अपने फेस का मेकअप रिमूव कीजिएगा, ताकि ईजी हो रिमूव करने में। नहीं तो आप डायरेक्ट यूज रिमूव करोगे तो आपका फेस वॉश बहुत ज़्यादा लगेगा, जल्दी रिमूव भी नहीं होता है। और ऑयल लगा लोगे तो आपका फेस का जो ऑयल की वजह से आपका मेकअप जल्दी रिमूव होगा, फेस ख़राब भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से पूरा कर लेना है, जैसे हमने उस साइड में किया था वैसे ही आपको इस साइड में पूरा इस तरीके से फील कर लेना है, काजल या जेल आईलाइनर की मदद से। तो इसी तरीके से पूरा फील करेंगे। इसी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियोज लेकर आ पाऊँ। इंटरटेनिंग काफ़ी अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं आप वीडियोज देखते टाइम। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से नीचे भी हम लोग काजल की मदद से ये शेप को बना लेंगे,
इसको सेट करने के लिए आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हो, बट मैंने सेट नहीं किया था क्योंकि मुझे रिमूव करना था। सेट करने के बाद से रिमूव करना और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो इस तरीके से काजल से पूरा शेप अच्छे से बनाएंगे। लाइट कटी हुई थी, पसीने बहुत हो रहे थे और मुझे मेकअप करना था, तो मैंने गर्मी में ही कर लिया था ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो और जल्दी से इजिली रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से पूरा शेप बनाया था और अच्छे से इसको फील कर लिया था। अभी जाइएगा मत, इसमें अभी बहुत कुछ काम बाकी है। फाइनल लुक देख लीजिएगा एंड तक वॉच करने के बाद। तो लिप्स के पास कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लगा दिया था और ज़्यादा काजल। उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ रेड कलर की। यहाँ पे आँखों के पास से इस तरीके से एक लाइन की ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लिप्स पे थोड़ा सा और लगा लेंगे, दांतों पे भी लगा लेंगे, जैसे कि ऐसे लगे कि पूरा ब्लड ऐसे दांतों से भी निकल रहा है। जैसे जैसे टाके का साइज है वैसे वैसे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि लगे कि यहाँ अभी अभी चोट लगी है। आँखों में भी इस तरीके से अप्लाई कर लिया था ताकि थोड़ा सा ब्लड जैसा लुक आ जाए। यहाँ पे भी चोट का निशान बना देंगे और फिर से ब्लैक कलर का कलर लेके इस तरीके से लगा देंगे और इस पे भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर लगा देंगे। गर्दन पे एक निशान बनाएंगे जैसे कि लगे कि गर्दन पे से काफ़ी चोट लगी हुई है। इसके लिए आप नेल पॉलिश का यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे पास नेल पॉलिश अभी था नहीं क्योंकि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ। तो सारा सामान मेरा गाँव छूटा हुआ है, मेरे हस्बैंड आएंगे तो लेके आएंगे, फिर मैं और भी अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव और इन्जॉय इंटरटेनिंग वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फाउंडेशन लेके इस तरीके से बीच बीच में ड्रॉ कर दिया ताकि प्रॉपर लाइन से समझ में आए। और दिस इज द मेरा फाइनल लुक, कुछ इस तरीके का आया था। बहुत लोग भी मेकअप करते हैं, तो मेरा मेकअप जो सेट नहीं हुआ था उसको मैं सेट कर रही थी यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं हूँ भूत। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस, नहीं तो 12 बजे रात को मैं आपके घर आ जाऊँगी। तो ये था फाइनल लुक, कुछ इस तरीके का बनाया था मैंने। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा आई प्रीति वाई 24 है। और सेकेंड चैनल पे मेकअप और ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड सारी वीडियो जाती रहती हैं, ब्लॉग वगैरह भी, तो वहाँ पे भी जरूर जाके चेक कीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया था कुछ इंटरटेनिंग सा डरावना सा थोड़ा सा वीडियो, तो मैंने वो इसको इसमें ऐड कर दिया। इस वाले वीडियो के साथ बच्चे आए थे तो उन्होंने काफ़ी डरानी डरानी आवाज़ें निकाली कि आंटी दीजिए आंटी दीजिए, मैं इसके साथ एडिट करता हूँ। तो काफ़ी लोग उन्होंने डरानी डरानी आवाज़ें निकाली और मैंने एडिट किया था। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल के करीब, तो वो डरने लगी, तो मैंने बोला बेटा ये मेकअप है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने नहीं डरी, काफ़ी खुश हो गई थी। और इस तरीके का मेकअप था, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो, पसंद तो क्या है इसमें, मतलब मज़ा आया हो वीडियो देखने में, अच्छा लगा हो, टाइम पास अच्छा हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा। और इस तरीके की वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम इस तरीके की वीडियोज और लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट यूनिक वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि थोड़ा डिफरेंट टैलेंट को भी लोग पहचाने जाने देखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी इस पर भी इनकम स्टार्ट हो जाए। मोनेटाइज तो हो गया बट काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, तो इसलिए इनकम स्टार्ट नहीं हुई, बट अभी मैं प्रॉपर रेगुलरली काम करूँगी तो काफ़ी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।